हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है ऑनलाइन सेवा। दोस्तों, आप सभी को पता है कि अभी 10 तारीख को एक जो हमारी 32वीं जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी उसका प्रेस रिलीज किया गया। उस प्रेस रिलीज में या ये कह लीजिए कि उस 32वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए। वो बड़े फैसले क्या है वही मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ और आप लोगों को उसकी नॉलेज देना चाह रहा हूँ, तभी मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कर दे ताकि यहाँ पे जब भी मैं अपने नए वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखकर बहुत कुछ सीख पाए। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ नोट्स आप लोगों के लिए तैयार किए हैं जिसके थ्रू करीब 5 से 6 पॉइंट हैं जो मैं आप लोगों के साथ एक एक करके शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा आपकी जो 32वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला लिया गया वो लिया गया कंपोजिशन स्कीम के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले कंपोजिशन स्कीम में जो लिमिट रखी गई थी वो 1 करोड़ रखी गई थी, लेकिन अब इसको बढ़ाया जाएगा और ये 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के टर्नओवर कर दिया जाएगा। यानी अब ऐसे सप्लायर्स जो गुड्स में डील करते हैं, जो सप्लाई ऑफ गुड्स करते हैं, यदि उनका टर्नओवर पूरे साल का 1.5 करोड़ तक है तो वो अपने आप को कंपोजिशन में ले सकते हैं, यानी वो कंपोजिशन के अंदर आ सकते हैं। दूसरी चीज आप ये देख सकते होंगे 1.1, इनको लिए ये भी बहुत आसान किया गया है दोस्तों कि जो इनका एक रिटर्न होगा वो एनुअल बेस पर जाएगा, यानी सिर्फ एक ही रिटर्न जाएगा जो कि साल में एक बार जाना है, लेकिन जो इनका जीएसटी की पेमेंट होगी वो क्वार्टरली बेस पर इनको पे करते रहना होगा। तो ये तो था कंपोजिशन के लिए। आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा ये पॉइंट नंबर 2। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक जो लिमिट रखी गई थी उन स्टेट को छोड़ के जहाँ पे एक अलग लिमिट रखी गई थी, जैसे कि हमारा जम्मू एंड कश्मीर था, उत्तराखंड था, असम है, हिमाचल प्रदेश है और भी हैं ऐसे स्टेट जिनमें जो लिमिट रखी गई वो अलग रखी गई थी। तो अभी फिलहाल मैं उन स्टेट की बात कर रहा हूँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, यानी जिनके ऊपर ये कंपलसरी था कि जीएसटी नंबर लेना ही लेना है, उनके लिए जो टर्नओवर था वो था 20 लाख, लेकिन इसको भी बढ़ाया जाएगा, उसको 20 लाख से 40 लाख किया जाएगा। हालांकि अभी तक नहीं किया गया क्योंकि अभी ये सिर्फ जो 32वां जीएसटी काउंसिल मीटिंग है उसमें बोला गया है, लेकिन आई होप हो ही सही है। तो दोस्तों, इस लिमिट को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख किया जाएगा और ऐसे स्टेट जैसे कि मैंने आपसे पहले शेयर किया था जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, आसाम, हिमाचल प्रदेश, इन सब स्टेट में अभी गवर्नमेंट ने टाइम दिया हुआ है इन स्टेटों को कि आप एक हफ्ते के अंदर हमें बता दें कि जो वहां पे लिमिट रखी जाए वो 20 लाख ही रखी जाए या इसे 40 लाख कर दिया जाए। तो इन स्टेट पे उन लोगों को सेल्फ छोड़ा गया है, जैसे ये फैसला देंगे गवर्नमेंट उसके हिसाब से फैसला लेगी और 20 लाख से 40 लाख या 20 लाख करेगी वो उन स्टेट पे डिपेंड करेगा। तीसरा देखिए, कंपोजिशन स्कीम फॉर सर्विसेज। जैसा कि आप सभी को पता है जो सर्विस प्रोवाइडर है उनके लिए भी इस 32वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फैसला लिया गया कि अब वो लोग भी अपने आप को कंपोजिशन के अंदर ले सकते हैं अगर उनका टर्न ओवर 50 लाख तक है, लेकिन ये भी देखा जाएगा कि जो उनका फाइनेंशियल ईयर जो प्रीवियस ईयर था 50 लाख से ऊपर ना गया हो, तो इस बेस पर वो भी अपने आप को कंपोजिशन के अंदर ला सकते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए एक रेट डिफाइन किया गया है 6%, पहले 5 था लेकिन अब उसको आप 6 रेट भी ला रहे हैं इसके अंदर, 6% जीएसटी जो कि 3% सीजीएसटी और 3% एसजीएसटी के हिसाब से उनको पे करना होगा। आगे आप देख सकते हैं 3.1 जो कि इसी का ही है, वही बात यहाँ बताया जाएगा जो ऊपर मैंने बोला था कि दिस स्कीम शैल बी एप्लीकेबल ऑन बोथ सर्विस प्रोवाइडर एज वेल एज सप्लाई ऑफ गुड। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर जो गुड्स में भी डील करते हैं और सर्विस में भी करते हैं वो भी इसके अंदर आ सकते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर, जिनका टर्नओवर 50 लाख है। 3.2 में सेम एनुअल रिटर्न एक फाइल करना होगा, यानी पूरे साल में एक ही रिटर्न फाइल करना होगा और जो उनका पेमेंट है टैक्स पेमेंट वो क्वार्टरली बेस पर ही करना होगा, लेकिन उनको एक डिक्लेरेशन देना होगा कि ये जो भी मैं अपना रिटर्न फाइल कर रहा हूँ या जो टैक्स पे कर रहा हूँ वो
अपने भी इस पर अपने बिहा पर कर रहा हूँ कि अगर इसमें कोई गड़बड़ी होती है कल को तो जो भी इसका जिम्मेवार होगा वो मैं खुद दूंगा। तो वो डिक्लेरेशन शायद उनको देना होगा, अब ये देखना होगा पोर्टल पे शो होता है या फिर खुद रिटर्न में देना होगा, वो जब आएगा जब का जब देखेंगे। चौथा फैक्ट आप देख सकते हैं कि सेल नंबर 123 अबव सेल बी मेड ऑपरेशनल फ्रॉम दी 1 अप्रैल 2019, यानी 1 अप्रैल 2019 से ये लागू होगा। अभी हालांकि सिर्फ काउंसिल मीटिंग में बताया गया है लेकिन 1 अप्रैल 2019 से लागू होगा, ये जाहिर सी बात है। आगे कंपोजिशन स्कीम के लिए दोस्तों जीएसटी पोर्टल पे एक फ्री अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर की सुविधा भी दी जाएगी। अब वो किस तरीके से होगी जब आएगी जबकि जब देखेंगे, और मैं इसके ऊपर भी वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। छठा पॉइंट इतना मैटर नहीं है। सातवां पॉइंट, आप लोगों को पता ही है कि जो केरला था वहां पे काफी बाढ़ आया हुआ था, जिस वजह से वहां पे 2 साल तक 1% सेस लगाया जाएगा ताकि जो भी आपकी भरपाई है वो पूरी हो सके। तो दोस्तों ये कुछ बड़े अहम फैसले थे जो 32वें जीएसटी काउंसिल मीटिंग में किया गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से काफी नॉलेज मिली हो, राहत भी मिली हो कंपोजिशन वालों के लिए, और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल से बने रहेंगे। और इसी तरीके से वीडियो लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।